हे hey, हेलो दोस्तों कैसे हो इस वीडियो में एस्टीएमल के फर्स्ट वेब पेज को क्रिएट करने वाले हैं अन एस्टीएल डॉक्यूमेंट के कोर फंक्शनैलिटी को समझेंगे सो हाय गाइस माय नेम इज ट्रेड एक्सबी गाइज गाइज एक इंपॉर्टेंट नोट ये प्लेलिस्ट में हम एस टी एम एल एंड एस टी एम एल के सारे एट्रीब्यूट को सीखेंगे क्योंकि आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट तभी क्रिएट कर सकते हो जब एस टी एल एंड एस टीम फाइव के सारे टैग आपको आ रहा हो ओके फ्रॉम माई ओपिनियन यू शुड लर्न ऑल टैग्स ऑफ एस टी एम एल एंड एस टीम एल फाइव आफ्टर लर्न एस टी एम एल यू टू लर्न सी एस एस एंड सी एस एस थ्री वेन यू कम्प्लीटेडीज लैंग्वेज यू आर एबल टू मेक योर ओन वेब पेज और वेबसाइट सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हैल पेज को बनाना सो so, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ टेक्स्ट एडिटर सॉफ्ट सो अभी जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहा हूँ स्टीमल कोड को राइट करने के लिए वो है सबलेम टेक्स्ट एडिटर सो हमारे कंप्यूटर में ये रहा है सबलेम टेक्स एडिटर इसे हम ओपन कर लेते हैं सो so, यहाँ पे हमें न्यू फाइल बनानी है एंड इसको सेव करना है विथ एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल सो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करूंगा एंड इसका नाम देते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सो ये फाइल को मैंने सेव कर दिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से ओके okay. एंड अभी फर्स्ट वेब पेज का कोडिंग करते हैं एंड वेब पेज के अंदर हम हैलो वर्ल्ड लिखते हैं एंड ये एस्टिमल कोड को रन करने के लिए हमें ब्राउजर में रन करनी होगी ओके एंड ये है हमारा फाइल इस पे हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं सो so यहाँ पे देख सकते हो ये आउटपुट आ गया ओके एंड दूसरा तरीका है रन करने का आपको राइट क्लिक करना है एंड ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करना है सो so ये रन हो गया ओके okay. मैंने एच वन टैग के अंदर हैलो वर्ड लिखा था जो कि यहाँ पे आउटपुट शो होगी सो हो so ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम सो अभी समझते हैं कि एक वेब पेज क्या होता है सो ये है हमारा ब्राउजर एंड ये जो पार्ट देख रहे हो इसे हम बेब पेज बोलते हैं या फिर बेब पेज का बॉडी बोलते हैं जैसा कि आपको पता होगा इसको हम टाइटल बोलते हैं सो so, हर एक सिंगल बेब पेज को बनाने के लिए हर एक सिंगल एसटीमल डॉक्यूमेंट बनानी होती है सो so, एसटीमल डॉक्यूमेंट को समझते हैं सो so, सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडर में दिख जाएगा ये डॉक टाइप क्या होता है सो बेसिकली एसटीमेल डॉक्यूमेंट में डॉक टाइप को इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि ब्राउजर को पता चले की ये एस टीम एल का डॉक्यूमेंट है एंड ये जो डॉक्यूमेंट है एस टी एम एल का ये कौन सा वर्जन में है ताकि ब्राउजर आसानी से आउटपुट शो कर सके सो डॉक टाइप इन्फॉर्मेशन है एक ब्राउजर के लिए फर्स्ट की एस डॉक्यूमेंट है एंड सेकेंड की कौन सा वर्जन है एच का ओके okay. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स एच टी जो कि पहला वर्जन था अगर हम इस वर्जन में कोडिंग करते तो हमें इंक्लूड करना होता है ये डॉक टाइप इसके अंदर ये सारे पाथ को ओके okay. एंड ये एच टी अगर आप इस वर्जन में कोडिंग करते हो तो आपको ये इंक्लूड करना होता है ओके सो नाउ डेज अभी 5 यूज होता है जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है यह लेटेस्ट वर्जन एच टी एम एल फाइव जो कि अभी सभी ब्राउजर सपोर्ट करता है इसे और नेक्स्ट है एस टी एम एल टैग जो कि यहाँ पे ओपन हुआ एंड यहाँ पे क्लोज हुआ सो so, ये एस टी एम एल टैग एस टी एम एल डॉक्यूमेंट का कोर पार्ट होता है जिसके अंदर हम सारे टैग्स को इंक्लूड करते हैं इवन सी एस एस फाइल जावाइ स्क्रिप्ट फाइल पी एच बी फाइल ये जितने भी फाइल है वो सारे को हम एस टी एम एल टैग के अंदर ही लिंक करते हैं एंड उसके बाद आता है हेडिंग टैग सो हेडिंग टैग के अंदर हम लोग अभी टाइटल टैग लिए हैं इसके बाद हम ले सकते हैं स्क्रिप्ट टैग मेटा टैग एंड बहुत सारे टैग्स आते हैं हेडिंग टैग के अंदर वेब पेज का इन्फॉर्मेशन आता है So, जैसा कि आप देख सकते हो टाइटल टैग के अंदर मैंने हेलो लिखा था जो कि आप ब्राउजर के टाइटल में देख सकते हो एंड लास्ट में समझना होता है कि बॉडी टैग ओके सो सबसे इंपॉर्टेंट टैग हमारा है बॉडी टैग जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप करेंगे टेक्स्ट को वह इज आउटपुट होने वाला है यहाँ वेब पेज में जैसा कि मैं यहाँ पे विदाउट टैग्स कुछ भी टाइप करता हूँ एंड इसे कंट्रोल एस से सेव करते हैं एंड ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं so, सो आप यहाँ पे देख सकते हो आस इज ये आउटपुट आने लग गया है सो बॉडी टैग के अंदर ही हम सारे टैग्स का यूज करते हैं जैसे हमने पैराग्राफ लिया टैग एंड इसके अंदर लिखते हैं हम दिस इज पैराग्राफ एंड सेव करके रन करते हैं ओके okay. सो so आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो एंड थर्ड नंबर पे आता है व्हाट इज एलिमेंट सो एस्टिमेट टैग को ही हम लोग एलिमेंट बोलते हैं एंड हर एक एलिमेंट का कुछ एट्रीब्यूट होता है सो लेट्स सी कि मैंने पी टैग लिया सो पी टैग को हम एलिमेंट बोलते हैं ओके okay. इसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं एट्रीब्यूट जस्ट लाइक अ प्रोपर्टी सो यहाँ पे आप इस टाइप से समझ सकते हो ये हमारा एलिमेंट है जिसको आप टैग बोल सकते हो यहाँ पे मैंने इनलाइन सी का यूज किया एंड ये एट्रीब्यूट है एंड ये वैल्यू है ओके अगर हम इसको सिंटेक्स वाइज करें तो हर एक टैग एंड एलिमेंट का कुछ एट्रीब्यूट होता है एंड उसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप से होता है ओके जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है एंड हर एक एट्रीब्यूट का कुछ वैल्यू होता है फॉर हम पैराग्राफ टैग लेते हैं तो मैंने पैराग्राफ टैग लिया एंड इसके अंदर एट्रीब्यूट लेते हैं अलाइन एंड वैल्यू देते हैं राइट right. सो so, इसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट को राइट करेंगे वो आप आउटपुट में देखो कहाँ पे शो so हो रहा है ओके okay. सो so, आप देख सकते हो ये टेक्स्ट इधर शो so होने लग गया है बाकी का टेक्स्ट इधर शो so हो रहा था ओके सो बेसिकली एट्रीब्यूट का यही काम होता है कि जो हमारा टेक्स्ट है उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अलाइन एक एट्रीब्यूट है एंड राइट right यहाँ पे वैल्यू है सो so, ये राइट में शो so होने लग गया सो आई होप ग आपको एलिमेंट एट्रीब्यूट एंड वैल्यू आपको समझ में आया होगा अगर बॉडी के कलर को चेंज करना है तो हम बॉडी के अंदर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे बीजी कलर एंड एंड वैल्यू देते हैं पिंक एंड इसे सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं सो so आप देख सकते हो बॉडी का कलर हो गया चेंज तो सेम उसी तरीके से बॉडी यहाँ पे ओपन हो रही है एंड यहाँ पे क्लोज हो रही है इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट का यूज किया बीजी कलर एंड वैल्यू दिया पिंक जिसकी वजह से पेज का कलर चेंज हो गया ओके okay गाइस इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे टैग एंड उसके एट्रीब्यूट हर एक सिंगल टैग्स को एंड हर एक सिंगल एट्रीब्यूट को तो so इस वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय